माँ बगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने मुख्य यजमान मोहित बहल से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां जलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भक्ति का मार्ग भक्त को भगवान बना देता है, परंतु इस मार्ग में चलने के लिए पहले राग द्वेष जैसे विकारों से मुक्त होना पड़ता है। हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर रमाकांत शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, राकेश प्रभाकर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, मुकेश चौधरी, विक्रम भसीन, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, जसविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, गुलशन शर्मा, संजीव, राजेश महाजन, गुरबाज सिंह, गितेश यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, मानवी भार्गव, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस, अशोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जलंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मत कर को अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान। लोकी ना हवा चक जंदे गई कि मेरे नाल मित्र बहुत है, मेरा फलाना बड़ा यार मित्र बड़ा टाटा है, या मेरे नाल तो बहुत सिस्टम चलता है ते मैं करूँगा। ये बेवकूफी है, ये हंकार है बंदे दे मन दा कि मैं मेरे तो तक है ही नहीं कोई भी बस। सो मन च अभिमान नहीं लेना चाहिए कि आसा तकबर जो बकरे ने मैं कहा, जो बकरा मैं बोलूंगा ना कि आसा तकबर जो बकरे ने मैं कहा, पकड़ खंजर सर धड़ से जुदा किया, कुछ कट गया, कुछ बिक गया, कुछ बच गया बाजार में, आंतड़ियां बच गई सिर्फ बकरे दी, उन्होंने लै गया जुलाहा सुखा के। पुराने टाइम से धुनकी होंगी सी जिदे नाल रूह पिंजदे होंदे सी, अजकल मशीन के रूप पिंजा जाता ना, उदो धुणकी के रूह पिंजते थे, जो रूह पिंज और धुणकी के उत्ते मारिया लकड़ियों ने रूह पिंजने के झोबा लगे तू 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 तो जुलाहा उन्होंने कहता के बच्चे संबोधन करके भी जो पहला मैं की जगह तू तू बीता हों तो वर्ण करना हों जगारा बोला फिर लगता है। सो इसलिए मत कर तू अभिमान के बंदे झूठी तेरी शान रे आकड़ा तेरिया किसी नहीं कम आनिया किसी नहीं कम आनिया। सो एवं ये कह दी गल कि मेरी शौहरत बहुत हो गई है तो मेरे मगर बंदे बहुत तुर लग पे, परमात्मा ढा के नील से लिया। हसी हैगी सिर्फ मिट्टी है, जमीन तो भी मिट्टी जो ज्यादा उड़ गए ना आसमान वालों जाती है तो रब मीह के रूप पै के द्वारा पैरों से लिया। सो इसलिए कभी घबराहट नहीं करनी कि मैं ते मेरे तो बिना होना ही कोई नहीं, मैं ही कर सकता होर कोई जमे कोई नहीं ना भुलेखा मानना। साढ़े तो पहला बड़े बड़े तगड़े योधे हो गए हैं, सब तो बाद भी बड़े बड़े तगड़े योधे हो गए हैं, इदा की गल नहीं हैगी, पर इस चीज़ का घमंड मन से नहीं लेना।
बगला मुखी जी, अज माँ बगला मुखी जी के दरबार माँ बगला मुखी धाम गुलमोर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के अज जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध सप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। माँ के भगतों ने सवेर तो ही अपने स्थान सुनिश्चित करके जिहड़ा हवन यज्ञ के पहला तो ही बैठे और पूर्ण व्यवस्था के रूप के हवन यज्ञ का आयोजन होया। मैं सारे भगतों नूं यह दसना चाहना कि इस रविवार 29 तरीक आखिरी रविवार आन करके माँ बगला मुखी धाम च मासिक हवन यज्ञ का आयोजन हुंदा है। जिहड़े भी माँ भगत शामिल होना चाहते होन वो काइंडली मंदिर परिसर च आके साडे किसी भी सेवादार नूं या सानू किसी नूं भी अपना नाम नोट करवा सकते हैं ता जो उन्हां दे लोड़ींदी जिहड़ी समगरी है वो असीं अरेंज कर सकीए। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि सोमवार को 30 तरीक न रात्रि 8 तो लैके 12 बजे तक भी श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के उत्ते एक विशाल चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों के नाल आओ, माँ के दर्शन दीदार करो और अपनी झोलियाँ खुशियां भर के लैके जाओ।